तो बच्चों ये जैसे मैंने बताया कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंडीशन को ठीक से देखते हो तो काम होगा। तो मैंने कहा जिस टाइम पे ये गिरेगा उस टाइम पे y, अगर मैं इसको y मानता हूँ और ये हमारे ऊपर है कि हम किसको y और किसको x माने, इसको x माना और इसको y माना, तो y की देखिए वैल्यू बताओ यहाँ कितनी है, जीरो। y की वैल्यू बढ़ते 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 मैक्सिमम और बढ़ते बढ़ते जीरो। तो पहचानने की बस यही जरूरत है, इसका मतलब लॉजिक पे पहचानो, लॉजिक पे ध्यान दो। y में डिस्प्लेसमेंट निकालना जरूरी नहीं है, कंडीशन निकालना जरूरी है कि जब वो t कैपिटल T के बराबर हो तो क्या हो। तो जब कैपिटल T के बराबर तो y में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, एक कंडीशन। y में वेलोसिटी माइनस में है, जितना यहाँ पे प्लस में उतना ही यहाँ पे माइनस में होगा, दूसरी कंडीशन। या मैंने कल बताया था इस t, ये जो टाइम है वो टोटल टाइम का आधा है ना, तो एट t इक्वल टू t बाई टू वेलोसिटी इन y विल बी जीरो, वहां से भी t निकल सकता है। तो जो कंडीशन यानी तीसरा कंडीशन क्या है कि एट आधे टाइम, टाइम के आधे पे वेलोसिटी कितनी होगी, वी बाई कितनी होगी, जीरो। इसका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, वो कंडीशन वो टाइम निकाल सकते हैं। तो कोई भी कंडीशन आप ढूंढो बस काम करो, कंडीशन ढूंढो, स्टोरी क्लियर है, क्या ढूंढो क्लियर सबको। एक क्वेश्चन देखो, मैंने कल कराया था क्या साथ, मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि पत्थर को मैंने फेंका और जाके ये परपेंडिकुलरली गिरा, कैसे गिरा, तो परपेंडिकुलर गिरने से क्या होगा बताओ, क्या कंडीशन। एक तो कंडीशन हमारे पास है ना कि वाई में अगर मैं इसको इंटरमीडिएट निकाल दूंगा, अगर मैं इसको x मान लूं इसको क्या कर रहा हूं y, तो एक तो कंडीशन हमारे पास है कि y में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, और यहां पे परपेंडिकुलर गिरने का क्या मतलब, क्या मतलब ux, कौन सा x, ux, तो कंडीशन समझ आ रही है। ऐसे कंडीशंस आपको ढूंढने होते हैं, इसी को हम फिजिक्स कहते हैं, और इस फिजिक्स को मैथ्स में कैसे यूज करें उससे हमारा आंसर आता है। यानी फिजिक्स एक तो लॉजिक जो होती है, लॉजिक डेवलप हुआ, जो लॉजिक बना वो फिजिक्स, और इस फिजिक्स का यूज कैसे करें दैट इज मैथ्स का कैसे यूज करें उससे आंसर आता है। बस दो लाइन होती है किसी भी टॉपिक के लिए, दो लाइन होती है, एक समझना कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से कोई लॉजिक ढूंढना, और फिर उस लॉजिक का यूज फिजिक्स में करना। तो यहाँ से क्या लॉजिक बना कि x, अगर मैं इसको x मानूं तो x में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अब x में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो bx मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और तुम्हें पता है b इक्वल टू u प्लस at होता है, लेकिन क्या ये हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो, ये तो इंक्लाइन लगा रहे हो, जब इंक्लाइन लगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्लाइन की तरफ होना चाहिए, तो b इज इक्वल टू u, अगर ये वेलोसिटी u है और ये एंगल थीटा है तो u का इधर क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो b इक्वल टू u cos थीटा माइनस हाफ, अरे सॉरी माइनस g, b इक्वल टू u माइनस a, तो माइनस g का इधर की तरफ कॉम्पोनेंट, इधर की तरफ g और x इनटू t, क्या होना चाहिए वहां से, जीरो जीरो से t आता है, तो समझ में आया। तो मेरी बात समझो इस चीज को कि कंडीशन आपको ढूंढनी है, वो क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे देगा कि परपेंडिकुलर टकरा रहा है, पैरेलल टकरा रहा है, कुछ भी दे देगा, 45 पे टकरा रहा है, कुछ भी दे देगा, और कंडीशन किसको ढूंढना है, वो कंडीशन ढूंढने के बाद मैथ्स कैसे लगाना है उसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। उसके लिए मैंने क्या बताया है कल, x में अलग y में अलग काम खत्म, x में वेलोसिटी निकालो, x में डिस्प्लेसमेंट निकालो, x में एक्सेलरेशन निकालो, और सीधा x में x इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू स्क्वायर लगा दो, एक्सेलरेटेड है और नहीं तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम लगा दो अगर एक्सेलरेटेड नहीं। क्या ये सबको क्लियर हुआ, इतनी छोटी सी बात, तो ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बीच में मैंने कर दिया जबकि मैं चाहता नहीं हूँ कि यहाँ तक आए हम लोग, लेकिन वो तो कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वही करना है, इसलिए चाहे मैं टफ ले लूँ इंक्लाइन प्लेन पे, चाहे सिंपल ले लूँ इस वाले पे, बात ही अब बता दी, समझ में आ गया सबको। अब मैं ये पहली वाली कंडीशन अगर लगा के सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो s इक्वल टू y में लगा देना, s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू वाई टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब इससे तुम t की वैल्यू जो निकालोगे वो आएगा 2 uy by g, ये तो आएगा ना, ये तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट चल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, सबको पता है क्लियर है, ये फॉर्मूला याद करना। अब ये फॉर्मूला याद करना है, uy क्या होगा u sin थीटा, u क्या होगा uy sin थीटा, कोई दिक्कत, इससे भी निकालोगे तो आंसर वही आएगा, लेकिन इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, v इक्वल टू यू प्लस एट, तो v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, इससे भी टी की वैल्यू आएगी तो वही आएगी टू यू वाई बाई जी, अरे तो समझे, तीसरे से वैल्यू से भी लगाओगे तो टी की वैल्यू वही है, कोई भी कंडीशन
कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन को भी लगाओ, लेकिन सबसे आसान कंडीशन जनरली मुझे लगता है डिस्प्लेसमेंट पर। क्या लगता है? अब यहाँ बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि यहाँ से पत्थर हमने देखा u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, समझे? यस। तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट ux हो गया और इधर की तरफ कंपोनेंट ui, ux हो गया u cos थीटा, ui हो गया u sin थीटा, कोई दिक्कत है किसी को? और फिर से लगा दो हमारा वही कॉन्सेप्ट, क्या s इक्वल टू ui u t है ना, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही ना के जंक्शन में y, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट प्लस है ना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस है ना, ग्रेविटी क्या है माइनस ना, पर टाइम लगती है, तो s इक्वल डीयू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह लगा के t की वैल्यू निकालो, t की वैल्यू निकालते समय क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, t की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्वाड्रेटिक, समझा पाया? यस। इससे t की वैल्यू आ जाएगी कोई टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। यहां पे अंतर क्या आ जाएगा, इसमें इसमें केवल अंतर देखो, अगर इस 1 के लिए बात करते हैं तो 1 के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, नीचे माइनस, कितना डिस्प्लेसमेंट माइनस, कोई दिक्कत है क्या? ओके, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो s इक्वल टू 1 के लिए u sin थीटा ऊपर है कि नहीं, यस सर, तो u sin थीटा t माइनस हाफ जी की स्क्वायर, जी तो नीचे ही है ना, यस, 1 के लिए, तो ये 1 के लिए और 1, अगर ये 1 आता है तो, देखिए अगर 2 आता है तो, और 2, ये 2 है, तब क्या अंतर है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कभी भी उसका उतना ही, तो कितना है h, इसमें माइनस का इक्वल टू वेलोसिटी का इधर ये थीटा है ना, यस सर, तो u का इधर क्या cos और नीचे sin माइनस u y, वेलोसिटी नेगेटिव कितना है t माइनस हाफ g स्क्वायर हो जाएगा, नहीं ग्रेविटी नीचे की तरफ माइनस, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ माइनस, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ माइनस, इसलिए सब माइनस, तो सपोर्ट वाला नाइन्थ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि वेलोसिटी को सपोर्ट किया तो प्लस नहीं तो माइनस, नाइन्थ वाला नहीं, कोऑर्डिनेट वाला कौन सा वाला है, नीचे भी कोई भी क्वारिटी है तो माइनस, समझा मैम? तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, टी की वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये भी माइनस एच है, ग्रेविटी कितनी है माइनस ही, ग्रेविटी तो माइनस ही है ना, तो ग्रेविटी नीचे है माइनस ही, तो बताओ एस इक्वल टू यू टी, अरे भाई हॉरिजॉन्टल पे का ना, यस सर, तो वर्टिकल वेलोसिटी वाई में कितनी हो गई, जीरो प्लस हाफ माइनस जी सी, और इस तरह की वैल्यू आई 2h बाई v अंडर रूट, आई कि नहीं? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया तुम्हारा काम, ठीक है, आगे एक और, अब यहाँ पे कुछ दे रखा है, कुछ अगर तुम निकाल सकते हो तो कंडीशन ढूंढो, अगर नहीं निकाल सकते तो या इसकी बात करते हैं, पहले इसको देखो, ठीक है ना, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, इसमें कोई दिक्कत है फिर उसको करते हैं, आपके लेवल पे केवल ये और ये है, नीट लेवल पे, बुकलेट में भी केवल दो ही दिया है, ये दोनों केवल कॉन्सेप्ट लेवल पे है, कॉन्सेप्ट लेवल पर मैंने बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट देखिए कैसे करते हैं, डिजाइन प्रिंट आपके लेवल पे नहीं है, जबकि क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें और इसमें, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है, समझ गए? तो आप ध्यान इस पर लगाओ, ये दो ये टाइम फ्लाइट और ये याद होना चाहिए, ये दो टाइम फ्लाइट क्या होगी, बाकी आप समझ लो क्या करना चाहते हैं, सही? यस। उसको भी थोड़ा बताई देता हूँ, जैसे कि मैं रेंज बता पाऊँ, नहीं तो फिर अलग से उसको बताना पड़ेगा, ठीक, सुनो इसके लिए क्या ये कैसे टकरा रहा है, कुछ बता रहा है? नहीं बता रहा, तो क्या कंडीशन कुछ पता है हमको? वहाँ पे कुछ कंडीशन पता है? एक ही कंडीशन पता है बस, क्या तुम्हें ये रेंज पता है? नहीं। क्या तुम्हें हाइट पता है? नहीं। ना डिस्प्लेसमेंट पता है, ना वहाँ की वेलोसिटी पता है, कुछ भी नहीं पता, और जब टकराएगा तो ना डिस्प्लेसमेंट पता है, ना वेलोसिटी पता है, कुछ भी नहीं पता, सही है? जैसे यहाँ पे तीन चीज पता था, डिस्प्लेसमेंट जीरो था, वेलोसिटी माइनस, वर्टिकल वेलोसिटी थ्री पता था, सब कुछ पता था, यहाँ पे तीन चीज पता था, तो वहाँ पे कुछ भी पता नहीं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन पे माने तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा,
इसके अलावा और कुछ भी नहीं पता, एक चीज को छोड़ के कुछ भी नहीं पता कि मैं इसको वाई मान लूं और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता, समझो। इसलिए फोर्सफुली हमें केवल और केवल एक ही कंडीशन लगानी पड़ेगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। स्टोरी क्लियर एकदम? yes. समझने की जरूरत है, मतलब हम लोगों को, मैं इतनी देर से जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, 10 क्वेश्चन से मतलब नहीं है। हम कंडीशन ढूंढ पा रहे हैं क्या? वो कंडीशन लॉजिक है, उस लॉजिक का यूज करना है हमें मैथ्स में, और मैथ्स से फिर हमें रिजल्ट आएगा, समझ गए। तो अगर मैं इसको वाई मान लूं तो, और इसको क्या मान लूं, तो y में जो डिस्प्लेसमेंट है पहले बढ़ा और फिर घट के जीरो है, और जब जीरो हो गया तभी तो गिरा ना, तो जब गिरा तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जीरो। अब यहां से सीखने की जरूरत है जो यहां पर तक अभी तक नहीं आया, यहां पे सभी मोशन को हमने वर्टिकल y और हॉरिजॉन्टल x से सॉल्व किया, लेकिन वहां पे हमने अलग कहीं x और अलग कहीं y लिया। हमारे ऊपर है कि हम कहीं भी x और y ले सकते हैं, हमारे ऊपर है, ये हमारी चॉइस है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन किससे हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल x और वर्टिकल y से। लेकिन इसको ऐसे सॉल्व करने पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई मेथड ही नहीं मिलेगा जिससे कि हम कोई कंडीशन ही नहीं ढूंढ पाएंगे, समझ गए। तो इसने हमने इधर x और इधर y लिया, उससे हमें क्या मिल गया, एक कंडीशन की डिस्प्लेसमेंट क्या होगा y में, जीरो। लेकिन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस तरफ तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिला है उस तरफ की वेलोसिटी, उस तरफ का एक्सेलरेशन, सब कुछ उधर के निकाल के s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंट स्क्वायर उस तरफ लगा दो, समझा पाया हूं। yes. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस तरफ ये कौन है वेलोसिटी u है ना, yes. इधर इधर कौन है u cos थीटा, और इधर इधर कौन है कि नहीं u sin थीटा, y डायरेक्शन में हमें क्या मिल गया वेलोसिटी। अच्छा, ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, और तुम्हें पता है कि अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो g का इधर क्या हो गया g cos alpha? Yes. तो g cos alpha हमें मिल गया क्या, acceleration इधर y, minus में क्यों, तो मुझे initial velocity मिल गई, displacement 0 है पता चल गया, acceleration हमें मिल गया, और s equal to ut plus half इसका चाहिए, तो और कुछ चाहिए क्या इसमें, s equal to ut plus half, s पता चल गया y में, u पता चल गया y में, a पता चल गया y में, t तो हमें निकालना ही है, तो मतलब और कुछ भी नहीं चाहिए। और सीखने की क्या बात है, आप लोगों के सीखने की क्या बात है, जिस डायरेक्शन में आप ये इक्वेशन लगाओ सारी प्रॉपर्टीज उसी डायरेक्शन वाली होनी चाहिए, तो अगर वाई में लगा रहे तो सारी प्रॉपर्टी वाई में होनी चाहिए, वेलोसिटी वाई में, एक्सेलरेशन वाई में, डिस्प्लेसमेंट वाई में, सब कुछ वाई में होना चाहिए। तो तुम्हारे सीखने का केवल एक लाइन है, समझ में आ गया, ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक होता है, क्वेश्चन हजार हो सकते हैं, उसे क्या लेना देना, हमें हमारा कॉन्सेप्ट एक ही है ना, एक कॉन्सेप्ट एक बार देखो कितनी बार हो गया, एक बार लगा दो काम करो, तो चलो सब कुछ पता है। तो एक बार फटाफट, s कितना है जीरो, इक्वल टू u कितना है u sin थीटा, प्लस में ना यू टी, माइनस या प्लस हाफ कितना है माइनस g cos अल्फा इंटू स्क्वायर, समझ पाए। और उससे जो t की वैल्यू आई वो आई 2 u sin थीटा बाय g cos अल्फा, अरे होगा कि नहीं, और ये 2 UY कौन है UY, अरे U sin theta कौन है UY, और G sin theta, G cos alpha कौन है G cos alpha, KY कौन है AY, इसलिए फॉर्मूला हमारा कॉमन आ गया 2 UY UY by AY, ये भी तो वही है 2 UY AY है कि नहीं, जैसे इसका मतलब कि चाहे इंक्लाइंड प्लेन हो या सिंपल प्लेन हो दोनों का टाइम फ्लाइट सेम ही है, तो दिक्कत है क्या, ये हो गया तुम्हारा छोटा सा कॉन्सेप्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर। यस सर, अब इसी में मैं ये सब मिटा रहा हूं, लिखना है क्या इसमें, कुछ लिखने का है क्या, देखो तो फोटो ले लो, वापस आते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में हमने क्या सीखा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी बच्चों ये सब तो कुछ भी नहीं है, तो एग्जांपल है दिखाने के लिए, देखो यही किया हमने, लेकिन सीखा क्या, टाइम फ्लाइट के लिए जब वो टाइम आएगा जब वो गिर जाएगा, यानी गिरने वाला होगा, गिरने के बाद की बात नहीं करते, गिरने के जस्ट पहले की बात करते, सही। तो जब वो गिरने वाला होगा या गिर चुका होगा लगभग, तो कौन सी प्रॉपर्टी हमें पता है, ये सबसे पहले ढूंढना हमारा काम,
फिर उस प्रॉपर्टी को मैथ्स में लगाना हमारा दूसरा काम। यहां पे मैंने क्या सिखाया, जनरली ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जनरली ये प्रॉपर्टी डिस्प्लेसमेंट है और वो क्या हो जाएगी, जीरो। क्या ये सबको समझ में? यस। दूसरा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो जब लगा रहे हो और निकालना है टाइम, इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट पता है और टाइम निकालना है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाए। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, इसका वो फॉर्मूला है जो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ जोड़ता है ना। तो हमने इस फॉर्मूले को लगाने का डिसाइड किया, लेकिन जब मैं इस फॉर्मूले को लगाने गया तो मुझे जो कंडीशंस और चाहिए थी वो थी इनिशियल वेलोसिटी, जो रिक्वायरमेंट थी वो इनिशियल वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन था और तो कुछ नहीं चाह रहा था, तो मैंने वाई डायरेक्शन में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पता था इसलिए वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाला। समझ गए, सब कुछ वाई डायरेक्शन में निकाल के और सॉल्व कर लिया। इससे ये भी शिक्षा मिली कि अगर वाई डायरेक्शन में निकाल लगाना है तो सारी प्रॉपर्टी वाई की होनी चाहिए, लेकिन अगर एक्स में लगाना है तो सारी प्रॉपर्टी एक्स की होनी चाहिए। अगला पॉइंट यही है रेंज निकालने के लिए। अब हमें रेंज निकालना है तो वो किस डायरेक्शन में होता है, एक्स में, सही है ना। एक्सिस कौन डिसाइड करेगा, हम। एक्सिस कौन डिसाइड करेगा, हम। तो डिसीजन एक्सिस का हम लेते हैं, तो हमें डिसाइड करना है कि हम एक्सिस का हाँ मिटा उसको थोड़ा सा। ओके, तो ये दोनों मिटा रहा हूँ, चलो एक बार जल्दी से लिख देता हूँ फिर मिटाते हैं ना। तो ये टाइम समझ आ गया, तो ये मैं मिटा के एक कंडीशन कर देता हूँ, तीन कंडीशन थी इसको हटा के एक कंडीशन कर देता हूँ जो हमारे लिए काम की है। क्या यहाँ पे हमारे जो टाइम आया वो आया टू यू साइन थीटा बाई जी, और इससे साफ साफ दिख रहा है कि टू यू वाई बाई जी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट केवल वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे और किसी चीज पे डिपेंड नहीं है, और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, मतलब वाई एक्स पे डिपेंड नहीं करता। ये सब समझ में आ गया। अब मैं अगर चाहता हूँ रेंज, तो बच्चे यहाँ पे रेंज मतलब एक्स में डिस्प्लेसमेंट। अच्छी बात है कि यहाँ पे जो रेंज है उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। जब एक्सेलरेशन नहीं होता है तो एस इक्वल बी इक्वल टू यू प्लस एस इक्वल टू यू डी प्लस हाफ डिस्टर्ब में ए जीरो हो जाता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाता है, तब तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो दिक्कत यहाँ 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 नहीं होगी, वहाँ उसमें दिक्कत होगी, क्यों होगी बता था। तो यहाँ पर रेंज सीधा इधर की तरफ एक्स की तरफ, कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार है डिस्प्लेसमेंट के, यू का, यही वेलोसिटी जिम्मेदार है। और ये वेलोसिटी कब तक इसको ले जाएगी, जब तक गिर नहीं जाता, और गिरने का टाइम क्या है, तो इस तरह से आप ये सब रख के सॉल्व कर लोगे। तो ये कौन है, यू एक्स टू यू वाई यू एक्स वाई जी या ए वाई, यही है ना। और इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देख लेना टू साइन टू थीटा बाई जी, ये हमारा फॉर्मूला, ये स्क्वायर नहीं है टू है, ये हमें मिल गया सिंपल, आपको पता है। ओके, यहाँ पे भी निकालना है तो दिक्कत वही है भाई, इस वेलोसिटी के इधर की तरफ कंपोनेंट इधर रेंज चाहिए, यही तो हमारा रेंज है ना। ध्यान से मेरी बात सुनिए, जिधर रेंज चाहिए क्या उधर एक्सेलरेट हो रहा है, क्या एक्सेलरेट हो रहा है, क्या इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, और जिधर एक्सेलरेट नहीं हो रहा उधर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो हमारा इक्वेशन हम सारी जगह लगाना है, इक्वल टू यू डी प्लस हाफ डिस्टेंस पर केवल इस इक्वल टू वेलोसिटी पर टाइम लगाना पड़ेगा। यहां पे भी डिस्टेंस यानी रेंज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू जो यहाँ से टाइम आएगा सॉल्व करके, कैसे सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, उससे आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू सेम आएगा। यहाँ पे बताओ यहाँ पे यू कॉस थीटा ही कौन है, पूरी वेलोसिटी कौन है, यू जो बदल नहीं रही है, क्यों नहीं बदल रही है एक्स में, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स में एक्सेलरेशन क्यों नहीं है, क्योंकि फोर्स नहीं है एक्स में, केवल ग्रेविटी वाई में फोर्स लगाती है। तो इस कंडीशन में इधर की वेलोसिटी नहीं बदल रही है, और वेलोसिटी अगर नहीं बदल रही तो रेंज जो निकालोगे वो उधर की वेलोसिटी यू इनटू सीधा पी के बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या करें उसके लिए, तो यहाँ पे मुझे रेंज इधर चाहिए ना, तो या दो रास्ते है, क्या है दो रास्ते, या तो जिधर रेंज चाहिए उधर की तरफ क्या निकाल दें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, ये तो पता चल ही गया है, ये तो पता, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर से क्या आ जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उस कंडीशन में मुझे u भी चाहिए x की तरफ और a भी चाहिए, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और t इतना बड़ा है, तो काफी बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा टिपिकल के पास। इधर हमारे आसानी से क्यों आ गया था, इन सब में आसानी से क्यों आ गया था, एक्सप्रेशन नहीं था, कुछ यहाँ पे भी ऐसा करे तो काम बन जाएगा, यहाँ पे भी ऐसा कुछ करे तो काम, अब यही समझना हमारा काम है। तो ऐसा करते हैं, इस वेलोसिटी का देखना जरूरत है, ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको भी फोटो खींच लो तो थोड़ी जगह बनाए, खत्म हूँ। अब इन सब में मैं मिटा रहा हूँ और वो वाला फिर से एक बार कर रहा हूँ, और वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हमारे दिमाग को थोड़ा सा एक लॉजिक देगा, अच्छा लॉजिक, तो किसी भी दूसरे क्वेश्चन में काम आ सकता है। सी यू टी नहीं हो रहा है, सी यू टी में समय नहीं हो रहा है, पता है ना तुम्हारा, न्यूज पढ़ लिया ना, नहीं पढ़े, हाँ सवेरे सवेरे न्यूज आ गई, शिक्षा मंत्री ने बोल दिया कि कोई जल्दबाजी में हम नहीं, मतलब 2023 में नहीं होने वाला, ठीक, यस, फ्री होके पढ़ो। देखो फिर से देखो बच्चों, ये कौन है प्रोजेक्टर, ये कौन था इंक्लाइन प्लेन, मैं इधर वाई ना मान के मैंने इधर वाई किया इसके परपेंडिकुलर, और इसको क्या ले लिया x, पत्थर को ऐसा फेंका लिया था, ये कौन था u, इधर की तरफ कौन था u cos theta, इधर की तरफ था, मैं ग्रेविटी ले रहा था तो g का इधर की तरफ क्या हो गया g cos alpha माइनस में, इधर हो गया g sin alpha माइनस हुआ ना, मैं चाहूं तो इससे भी ये कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इससे भी निकाल सकता हूं क्या रेंज, रेंज मैं निकाल सकता हूं, इस रेंज को तो ये रेंज चाहिए ना हमें पूरे यहां से आकर, बोलो यस, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा दिमाग है कि नहीं, और दिमाग कहता है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, थोड़ा काम चोरी कर लेते, तो अगर मैं इधर निकाल दूं ये वाला और मैंने इधर ही क्यों चुना, क्योंकि इधर की तरफ एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं होता तो क्या फायदा होता है, सीधा डिस्टेंस इनटू डिस्क्रीट डिस्टेंस पर वेलोसिटी इनटू टाइम, मैंने इसलिए इधर चुना क्योंकि इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है जीरो, तो जिधर मैंने चुना उधर से मुझे आर एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा आर नहीं मिलेगा आर एक्स मिलेगा, लेकिन आर एक्स मिल गया तो आर का ये कौन होगा कॉस अल्फा, अरे कौन होगा तो आर का कॉस अल्फा, तो आर एक्स पता चल गया तो आर का कॉस अल्फा आर एक्स, तो आर इक्वल टू आर एक्स, आर इक्वल टू आर एक्स अपन आर कॉस अल्फा हो जाएगा कि नहीं, यानी ये आर है उसका ये कौन होगा आर का कॉस अल्फा आर एक्स, तो मुझे तो आर चाहिए ना आर एक्स कौन कॉस अल्फा, इसका मतलब तू मुझे आर एक्स दे दो तो मैं आर निकाल ही लूंगा, और आर मुझे आर एक्स की जगह पे आर एच कह रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ आर एच, क्यों ऐसा किया बच्चों क्योंकि एच तो इधर, क्या इसको आर एक्स कह सकते हैं, ये किधर की तरफ है परजेंडर, इसको क्या नाम दे दिया परजेंडर, कुछ कंफ्यूज कर दिया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं भाई, एक्स की तरफ नहीं, एक्स की तरफ जाने से तो एक्सप्रेशन है और इसलिए तो हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, मैं क्यों ना उस तरफ चुनो जिधर एक्सप्रेशन नहीं है, और जिधर एक्सप्रेशन नहीं है वो आराम से निकल जाएगा, तो बताओ यहां से यहां तक गिनने का टाइम उतना ही है ना जितना यहां से यहां तक जाने का, इसको मतलब टाइम तो वही लगेगा जो हमने निकाला था, लेकिन इधर की तरफ वेलोसिटी गलती नहीं करना, इधर की तरफ वेलोसिटी कौन बताएगा, टोटल वेलोसिटी कितनी है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉमन लेने के, मुझे इस वेलोसिटी का इधर का कंपोनेंट चाहिए, तो इधर लेके फिर उसका कंपोनेंट ले लो, पूरा एक्सा दे लो, तो तुम क्यों बीच में देख रहे हो ये स्लाइड में, तो समझे कितना u cos थीटा प्लस काम खत्म, अरे भाई हमें इधर इधर कंपोनेंट चाहिए काम खत्म करो, सुना कि नहीं समझे, तो आर एक्स हो गया किस वेलोसिटी से u cos थीटा प्लस अल्फा इनटू टाइम, और टाइम हमने निकाला है क्या 2u sin थीटा / g cos अल्फा, लेकिन ये जो निकला वो कौन है आर एच, कौन निकला
और आर एच नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? तो क्या मैं इसको इक्वल टू आर कॉस अल्फा कर दूं? यस सर। उससे आर की वैल्यू निकालेंगे, कॉस अल्फा नीचे आ जाएगा और मस्त एक फॉर्मूला मिल जाएगा इक्वल टू। ये कौन सा कंपोनेंट है? वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा? तो टू ये कौन सा है? वाई ना, यू वाई यू एक्स की जगह पे कौन है? अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, कुछ समझा पाया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए और y चाहिए, y और हॉरिजॉन्टल एक लाइन, अदरवाइज क्या होगा? s equal to ut plus half इसका सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व मतलब स्क्वायर का आएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, काफी बड़ा था फॉर्मूला, sin a cos b plus y sin b का आएगा, तब जाके कुछ ऐसा आएगा, वो टफ हो जाएगा। तो समझा पाया हूं? यस सर। क्या शिक्षा मिली इस क्वेश्चन से? चले मैंने जो वो बताया था कनेक्ट करने वाला टाइम कनेक्ट करता है, देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, यहाँ से यहाँ तक गिरने का टाइम वही है जितना कि यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होने का टाइम, समझ गए? yes. क्या यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होने का टाइम? तो तुम चाहो तो ये भी निकाल सकते हो पहले, ग्रेविटी जब पूरा जी लेगा, अरे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी करेगा, बस जी की जब पूरा जी लेगा और टाइम पता ही है, तो उस टाइम में ये आ जाएगा और इसका ये कौन होगा? साइन हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? yes, sir. लेकिन क्यों निकालू जब अंडर ग्रेविटी है? तो क्यों ना वो निकालू जिसमें ग्रेविटी नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो सीधा डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम से निकालो। समझा पाया हूं कांसेप्ट? तो ये है तुम्हारा दूसरा कांसेप्ट। तो इस तरह से एक चीज मैंने जो सिखा दिया वो ये, अभी तक जितनी देर से हम लोगों ने जो बात किया वही की, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम कैसे इक्वेशन लगाए, और कल भी तो ये बात किया था ना अरे भाई, कल सोचे टाइम मोशन या मोशन इन ए प्लेन की बात तो यही शुरू की थी कि एक्स में अलग देखो वाई में अलग देखो और टाइम के साथ दोनों को कनेक्ट कर लो आपस में, यही ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, यही ना। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं कि हम शुरू हो गए फॉर्मूला क्या लगेगा ऐसा, थोड़ा लॉजिकल सोचो, फॉर्मूला तो याद होगा तो बेस्ट है, फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, लेकिन जब तक उस फॉर्मूले के पीछे की कंडीशन याद नहीं रहती तब तक वो फॉर्मूला भी याद नहीं होता, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे तो कोई फायदा नहीं होता। फॉर्मूला कब लगता है? उसके पीछे की कंडीशन, वो डेरिवेशन जो है वो कहाँ से आता है, थोड़ा 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 आइडिया होना चाहिए तब हमें फॉर्मूला याद रहता है, क्योंकि जब कहाँ से आता है याद होता है तब लॉजिकल एक बन जाता है और दिमाग में अपने आप रास्ता मिल जाता है कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका रेंज, सही है, और टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम फ्लाइट में मैं क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट हम पढ़ ही रहे हैं तो उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं, जैसा कि और क्वेश्चन एक दो कराया था मैंने इतनी बार, एक बार और, जैसे कब पॉइंट से और इधर के बीच में मैंने क्या लगा लिया, एक ये कोई भी रिंग है, रिंग के हाईएस्ट पॉइंट ये वर्टिकल एकदम, तो टू आर होगा ना, डबल डायमीटर होगा ना, ए और बी के बीच में मैंने क्या कर दिया, एक रस्सी बांध दिया, कॉन्सेप्ट को यूज करो, कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन नहीं, और यहाँ से एक रिंग को छोड़ दिया सरकने के लिए, यहाँ से यहाँ तक छोड़ दिया मतलब नीचे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम क्या लगेगा, क्या फाइंड करना है, फाइंड टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू बी। अब मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों करा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्योंकि मोशन इन्हें प्लेन ही है ना, तो रास्ता वही है, जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर की तरफ वेलोसिटी, उधर की तरफ एक्सेलरेशन, सब लेके s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एम सी लगा दो, बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत? तो जिधर डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हाफ ट्रायंगल में बना एंगल राइट एंगल होता है, पता है ना? yes. तो ये कितना है, टू आर, तो टू आर का ये क्या हो गया, अगर ये एंगल थीटा है लेट कर लिया लेट, तो टू आर का क्या हो जाएगा, ये कॉस कॉस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ In the direction AB is 2R का cross। अब जिधर displacement है उधर सब निकालो, तो initial velocity इधर कितनी है, जीरो जीरो, मतलब जब ऐसे सर रहा था, acceleration कितना उधर की तरफ AB की तरफ, ये कौन है जी, इधर इधर कौन होगा जी cross theta माइनस ना, यस ओके, और displacement भी माइनस है नीचे, हाँ
तो सब कुछ मैंने लिख लिया, वेलोसिटी लिख ली, डिस्प्लेसमेंट लिख लिया, एक्सेलरेशन लिख लिया। अब ऐसी टाइम तो निकाला ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? एस इक्वल टू यू टी प्लस आर एन आर एस। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस आर बी टी, उसका लगा दो। एस कितना है, यू कितना है, प्लस हाँ ए कितना है, इनटू तो दिक्कत क्या समझ में आया? तो इसे टी की वैल्यू बताओ, माइनस माइनस कट जाएगा, फोर आर कॉस थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, बाय जी। ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि वो थीटा पे डिपेंड नहीं करता, थीटा पे नहीं है ना। तो क्वेश्चन तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, थीटा पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए कराया है कि स्लाइड को समझाने के लिए कि जिधर डिस्प्लेसमेंट पता है उधर की तरफ वेलोसिटी, उधर की तरफ एक्सेलरेशन निकाल के क्या कर दो, एस इक्वल टू यू टी प्लस आर। कोई दिक्कत? ये हमारा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और जल्दी से इसके बाद वो रिवर प्रॉब्लम वाला करा दूँ, क्योंकि वो तो बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो रेडियो क्लासिक जितने क्वेश्चन है सब उसी से हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट टाइम के लिए, टाइम फाइट कैसे निकालते हैं, या टाइम जितने देर में मूव किया वो कितने कैसे निकालते हैं। पुराने नोट्स में ये भी ऐड कर लेना, अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट ऐड कर लेना, कुछ कम है ज़्यादा तो नोट्स को ऐसा इम्प्रूव करने की कोशिश करो कि पढ़ते समय आपको वो फील हो जो मैंने यहाँ पे कोशिश की बताने की, कुछ सुनना दिमाग वैसा चलना चाहिए। इसी में पढ़ते समय ऐसा लगा लास्ट में नोट्स नहीं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नोट्स पढ़ते समय अगर आपको फील नहीं हो रहा है वो चीज़ जो मैं कोशिश कर रहा हूँ तो बेकार है, क्या फायदा, और तो अपने मन से पढ़ रहे। तो एक क्वेश्चन ये है जो बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों। दो क्वेश्चन अभी मैंने तुमसे पिछले दिनों में बच्चों ने पूछा है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो बाकी बैच में पढ़ा रहा हूँ। ये रिवर है और मैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी तक कितना बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट, ए से बी पे जाना चाहता हूँ, ए से बी, और रिवर कह रही है कि नहीं इधर चलो, लॉन्ग चलो रिवर से, और मेरी औकात, औकात मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, ये मेरी औकात है, जो रिवर में, रिवर का इसमें कोई योगदान नहीं, ये मेरा अपना वेलोसिटी है जिसमें मैं तैर सकता हूँ। ये वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब ये मेरी वेलोसिटी जो रिवर में मैं तैर सकता हूँ, रिवर का वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है इसमें, तो ये मेरी औकात है, मेरे मुझे मैं कितना तेज कहते हैं ना, मैं कितना तेज तैर सकता हूँ, तो कितना तेज तैर सकता हूँ उसमें कौन किसका लेके, रिवर की वेलोसिटी लेके बोलते हैं क्या, नहीं ना, ये मेरी वेलोसिटी। तो क्वेश्चन ये है कि मैं ए से बी पे जो कि डी डिस्टेंस है और ये एंगल थीटा है, कितनी देर में पहुंच जाऊंगा, मैं ए से बी में कितनी देर में पहुंच जाऊंगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो केवल रिवर मुझे बाहर ले जाएगी तो मैं वहां पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा, इसका मतलब कि मुझे अपने आप कुछ करना पड़ेगा। तो मैं अपनी वेलोसिटी कहीं इधर दे दूंगा, वेलोसिटी दे दूंगा, नहीं पता किधर दूंगा तो मैं कुछ मान लेता हूँ अल्फा डायरेक्शन दे दूंगा। क्यों अल्फा डायरेक्शन दे दूंगा? क्योंकि मुझे ए से बी पे जाना है और कहीं नहीं जाना। ठीक है, बताओ मैं ए से बी पे कब जाऊंगा? जब मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी ए से बी की तरफ होगी। यस, और अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी ए से बी की तरफ जाएगी तो ए बी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर मैं ए से बी जाना चाहता हूँ तो इन दोनों का रिजल्टेंट ए बी की तरफ होना चाहिए, तो ए बी की तरफ रिजल्टेंट होने के लिए इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होना चाहिए? जीरो। समझा पाया? यस, बस यही
अगर मुझे ए से बी जाना है, दो वेलोसिटी लग के मुझे ए से बी पे जा रही है, ये कब होगा? जब दो वेलोसिटीज इसका और इसका जो रिजल्टेंट है वो ए से बी की तरफ हो, और अगर रिजल्टेंट ए से बी की तरफ हो तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा? जीरो होगा ना। तो इस वेलोसिटी का इधर की तरफ कंपोनेंट इस वेलोसिटी के इधर की तरफ कंपोनेंट से बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस। नहीं तो अगर मान लो ये बड़ा हो ये छोटा, क्या इधर जाने देगा? नहीं, पीछे उधर कहीं नहीं जाएगा। ये जगह पे ये कम हो गया उधर कहीं नहीं जाएगा। मुझे तो ए से बी भी जाना है, कुछ समझा पाया हूं? yes. इसका मतलब टू मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी मूव करने के लिए क्या जरूरी है बच्चों? वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ए बी मस्ट बी जीरो। ए बी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। और ए बी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी तब होगी जब ये कंपोनेंट बी आर का साइन थीटा विल बी इक्वल टू बी एम आर का साइन अल्फा। अरे कुछ समझे? yes. इससे सब पता है, क्या नहीं पता? तो इससे पता चल जाएगी आप किस डायरेक्शन में चलो, किस डायरेक्शन में चलो। आपको एक बार पता चल गया किस डायरेक्शन में चलो तो अब आगे हमारा पूरा नॉलेज आंसर टाइम कितना डिस्टेंस चलना है? डी चलना है ना? यस। कितना डिस्टेंस चलना है? डी, डिस्प्लेसमेंट डी। किसकी तरफ? ए बी की तरफ। तो मुझे बाकी सब क्वांटिटी भी किसकी तरफ चाहिए? ए बी। तो वेलोसिटी भी किसकी तरफ चाहिए? ए बी की तरफ। एक्सेलरेशन भी किसकी तरफ चाहिए? ए बी। तो क्या मैं एक्सेलरेट हो रहा हूं? नहीं। तो एक्सेलरेशन ए बी की तरफ कितना हो जाएगा? तो फिर केवल क्या चाहिए? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी? इसका भी कंपोनेंट और इसका भी कंपोनेंट। तो वेलोसिटी अलोंग ए बी बताओ बी आर का कॉस थीटा और बी एम आर का कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा कहां से आएगा? इसीलिए ये क्वेश्चन किया। तो पहला स्टेप से हमें मिल गया डायरेक्शन, उस डायरेक्शन का यूज करके यहाँ पे मिल गया मेरी वेलोसिटी अलोंग डिस्प्लेसमेंट। अब क्या एक्सेलरेट हो रहा हूँ मैं? नहीं। और जब एक्सेलरेट नहीं हो रहा तो मैं क्या कर लूँ? सीधा डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसे टाइम कितना आ जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल वेलोसिटी वी ए बी। अरे तो समझे? इससे आपको टाइम मिल जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आई टी आई तक, सारे क्वेश्चन इस पर विश्वास करो होते हैं। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला कि मुझे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके परपेंडिकुलर की वेलोसिटी मेरी जीरो होनी चाहिए। समझ गए? अरे ये जो वेलोसिटी है ना, इसका एक इधर इधर कंपोनेंट और इसके परपेंडिकुलर, ऐसे इसका एक इधर इधर कंपोनेंट है इसके परपेंडिकुलर। अरे इसके परपेंडिकुलर भाई, ये भी के नहीं लग रहा है वी आर के परपेंडिकुलर थोड़ी जाए ए बी का। अरे इधर देखो ए बी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, तो इन दोनों का ए बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अरे इसको एक्स मान लो इसको वाई मान लो, तो इसका इधर और इधर तब दो कंपोनेंट होंगे ना, एक इधर इसका और इसका इधर, तो क्या होना चाहिए? समझ गए? एक क्वेश्चन और किसी बच्चे ने अभी एक दो दिन के अंदर पूछा है तो मैं बता दूं। एक आदमी एक एरोप्लेन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ जाना चाहता है, कितना जाना चाहता है? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ जाना चाहता है, जाना चाहता है। विंड वेलोसिटी कुछ भी है 50 मीटर पर सेकेंड या कुछ भी है, समान एक समान। तो विंड वेलोसिटी इधर की तरफ 50 मीटर पर सेकेंड, इधर की तरफ वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, विंड के रिस्पेक्ट मतलब जिसमें विंड की वेलोसिटी ना हो, वो है कुछ भी 150 किलोमीटर पर आवर, ये 30 किलोमीटर पर आवर है विंड वेलोसिटी, और वही 150 किलोमीटर पर आवर उड़ सकती है कौन? एरोप्लेन, जिसमें विंड की हवा की कोई वैल्यू नहीं है। तब जैसे कहते हैं ना वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, उसमें रिवर तो नहीं होता, ऐसे ही वो इतने से उड़ सकती है। तो बताओ किधर जाएगा?
और कितनी देर में पहुंच जाएगी, ये 1000 किलोमीटर। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो क्वेश्चन ये है, टाइम टेकन टू मूव 1000 किलोमीटर। अरे कुछ समझ में आया? यस। अब वही सेम क्वेश्चन नहीं है, अरे उसमें रिवर था और जाना इधर था, इसमें विंड है और जाना इधर है, तो मैं किधर जाऊं? कहीं इधर जाऊं, जैसे कि मेरी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी का रिजल्ट है, इधर जाए तो दिक्कत है क्या? तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाए? समझा पाया? ये वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ विंड, यही ना, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू विंड। तो क्या कहूं, अगर ये थीटा मान लूं तो बताओ इसका इधर कंपोनेंट इधर कंपोनेंट, बताओ वेलोसिटी यानी टू मूव को ये और कभी कहते हैं अलोंग ए बी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ए बी मस्ट बी जीरो। सिंपल सी बात, वही जो पिछले बार किया था। इसका मतलब कि v वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड का कॉस, और इधर कौन है? साइन, साइन 30 मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू विंड का इधर कॉस, इधर कौन? साइन इसे क्या निकल जाएगा? डायरेक्शन काम बन गया। और फिर टाइम निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1000 किलोमीटर है कि नहीं? और वेलोसिटी दोनों का कंपोनेंट बताओ उधर की तरफ जो ले जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड का cos 30 प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू विंड का cos थीटा। और यहां से sin थीटा आ गया तो वहां से क्या उठा कर दोगे? cos थीटा। टाइम लगेगा 1 मिनट का क्वेश्चन, एकदम वैसे ही हलवा जैसे इसे पहले। और सारे क्वेश्चन जैसे हम लोग पढ़ते रहे 1 मिनट के लिए, बस मान लो मैं कहता हूं शॉर्टेस्ट पाथ तो ए से बी पे जाना, रिवर क्या चाहता है? वेलोसिटी रिवर से देखो जाए, और मैं शॉर्टेस्ट पाथ जाना चाहता हूं ए बी की डायरेक्शन में, क्या करो? इधर जाओ, तभी तो ऐसा जाऊं कि इसका एक कंपोनेंट इधर ले जाओ और दूसरा कंपोनेंट इसको बैलेंस कर दे। सिंपल क्वेश्चन है ना, यानी ए बी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। तो शॉर्टेस्ट पाथ का समझ में आया? शॉर्टेस्ट पाथ का समझ में आया, यानी फिक्स डिस्टेंस चाहिए मुझे, ए से बी पे जाना है बस। तो ए से बी पे जाने के लिए मुझे कहीं इधर जाना पड़ेगा जिससे कि मेरा ये वाला कंपोनेंट उससे बैलेंस है और दूसरा कंपोनेंट मुझे लेके जाए। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो अगर हम ए से बी की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव करना चाहते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन समझा पाया? यस सर। और टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आया? यस सर। दिस इज ऑल अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट इन काइनेमेटिक्स, पूरे काइनेमेटिक्स में टाइम ऑफ फ्लाइट का सारा खेल है, चाहे वो रिलेटिव वेलोसिटी का हो, रिवर प्रॉब्लम या ये हो रिवर प्रॉब्लम हो, इससे पहले ये विंड प्रॉब्लम रिवर प्रॉब्लम सब जितने भी है, समझा पाया? यस सर। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म हो चुका है, रेंज भी बता चुका हूँ, रेंज का क्या बात बचा हुआ है? एक रेंज में 2 एंगल्स वो भी बचा हुआ है। और कल पढ़ाया था टाइम मोशन की में, मोशन इन प्लेन में कोई भी पाथ कैसे पहचाने, और पाथ का वो पर्टिकुलर पाथ बन क्यों रहा है, इसके लिए जिम्मेदार फोर्स है, इस पर डिस्कस कर रहा है ना। और फिर थोड़ा और भी क्वेश्चन किए, ठीक है, इक्वेशन निकाल। तो आज के लिए इतना है, ठीक।